बीपीएससी वाला ये जो जो पेपर लीक वाला जो मामला है भाई, क्या हो जाएगा इसमें बताए ना? अभी तक कौन से अपराध की जांच रिपोर्ट सामने आई? बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर के जांच की जिम्मेदारी आर्थिक इकाई को सौंपा गया है। आर्थिक इकाई के जरिए जब यह जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई, उसके बाद से लगातार कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। विपक्ष के द्वारा लगातार उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है, जैसे कि सीबीआई जांच करा ली जाए या फिर उच्च न्यायालय की निगरानी में एक कमेटी गठित करके उसके अंतर्गत जांच को आगे बढ़ाया जाए, जांच करवाया जाए। साथ ही साथ तमाम तरीके के और मसले भी हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सुनिए चिराग पासवान का बयान सामने आया है। चिराग पासवान ने बीपीएससी में हुए पेपर लीक कांड को लेकर के क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री पर, एक बार फिर से चिराग पासवान ने संदेश जाहिर करते हुए कई आरोप लगाया है। सुनिए जरा चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। ये भी जांच बीपीएससी वाला, ये जो पेपर लीक वाला जो मामला है भाई, क्या हो जाएगा इसमें बताए ना? अभी तक कौन से अपराध की जाँच रिपोर्ट सामने आई, कितने अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई बिहार के इतिहास में मुझे बता दीजिए ना। जितनी यहाँ पे अपराध हुए, जितने घोटाले हुए, जितने ऐसे कार्य हुए जिनकी जांच की बात तो निरंतरता में हुई, पर उसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई, जवाबदेही, जिम्मेदारी कभी तय नहीं। तो अगर आश्चर्य मुख्यमंत्री जी को हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम उसकी सच्चाई जनता के सामने आए और दोषियों पर कार्रवाई हो। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर इस मामले से बिहार की छवि खराब हो गई। बिहार में जिस तरीके से शिक्षा स्तर लगातार गिरता जा रहा है, ये उसके नए मापदंड को इस पेपर लीक मामले ने पार किया। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था, भैया बिहार के युवाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कोई मामूली घटना नहीं है। तो यकीनन आश्चर्य ही नहीं, इसके ऊपर कार्रवाई होनी। भाई जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से तो मैं यही बात बोलूंगा, क्योंकि बिहार में जांच की बात तो कई बार हुई पर आज तक कौन सी जांच की रिपोर्ट आप मुझे बताइए ना जो हम लोग सामने नहीं है। भाई बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 3 साल का कोर्स 5-5 साल में कंप्लीट होता है, छात्र सड़क पर बैठे रहते, तो जरूर इसमें कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई। अब यहाँ पर सवाल उन अभ्यर्थियों से है, उन छात्र छात्राओं से है जो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। क्या आर्थिक इकाई जो जांच कर रही है उसके द्वारा जांच के प्ररूप को देखते हुए संतुष्ट हैं, या जांच की प्रक्रिया में कोई नया बदलाव आना चाहिए? साथ ही साथ क्या जांच के दायरे को और बढ़ाना चाहिए? जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं के द्वारा यह आरोप या फिर इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं कि जब तक बीपीएससी के अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे या वैसे अधिकारी अपने पद पर बने रहेंगे तब तक जाँच को वो प्रभावित कर सकते हैं, तो क्या उन्हें पदोन्नत मुक्त कर देना चाहिए, यानी उनके पद से उनको मुक्ति दे देना चाहिए, इसके बाद जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए? आपके मन में जो भी कुछ सवाल है हमारे कमेंट बॉक्स में आप दे जाइए, कमेंट कर जाइए। सवालों का जवाब तलाशने के हम कोशिश करेंगे, भरसक प्रयास रहेगा कि आपके द्वारा उठाए गए उन सवालों का जवाब हम आप तक पहुंचा पाए उन विद्वानों से या नेताओं से जानकारी प्राप्त करने के बाद। फिलहाल जिस प्रकार से जांच इकाई काम कर रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपना विचार भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने दीजिए, नमस्कार।